नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेकंड। इसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। यह पेपर वर्ष 2016 में आया हुआ है, तो हम लोग इसका आज प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। इस पेपर में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए है, इसमें शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन हैं, और सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ये जो अपना ये एनईपी का पेपर नहीं है, ये पुरानी शिक्षा नीति का पेपर है। जो एनईपी का पेपर है उसमें हो सकता है कुछ चेंजिंग हो, लेकिन चूंकि सिलेबस वही है तो क्वेश्चंस हो सकता है रिपीट हो जाएं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है। तो हम लोग देखते हैं सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सो दैट इफ द लैग्रांजियन डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम देन द एनर्जी इज कंजर्व्ड। फिर इसके बाद दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल हुज पोटेंशियल एनर्जी इज गिवेन बाई वी आर इक्वल्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर डी आर इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद तीसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यूजिंग हैमिल्टन प्रिंसिपल टू ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन एम एफ इक्वल्स माइनस डेबर वी बाई डेबर एक्स फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद एक्सेलरेशन एफ इन अ पोटेंशियल वी। इसके बाद फोर्थ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, डिस्कस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एडवांटेज। फिफ्थ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइजन ब्रैकेट फॉर्म। फिर सिक्स्थ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन। सेवेंथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऑप्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट। फिर एट्थ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टी इक्वल समेशन आई हाफ एम आई वी आई सी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हेयर वेक्टर वी आई सी इज द वेलोसिटी ऑफ द आई पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम। फिर इसके बाद नाइन्थ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, फाइंड स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ ऑर्बिट्स एंड डिस्कस कंडीशन फॉर क्लोजर। फिर टेंथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, डिराइव द हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन फॉर हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन। फिर इसके बाद अब हम लोग आएंगे सेक्शन बी में, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें जो पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसका बी पार्ट है डेराइव लैग्रांजियन एक्सप्रेशन फॉर अ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फिर इसके बाद दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द हैमिल्टन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन डेराइव लैग्रांजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। तीसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सो दैट सिग्मा फाई इक्वल्स हाफ जेड जेड डैश ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e cosec पर 4 5/2 इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग। यहाँ पे रदरफोर्ड की स्पेलिंग मिसिंग हुई है, मिस्टेक हुई है। इसके बाद हम लोग के पास फोर्थ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन एंड डिड्यूस द जैकोबीज फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो ये था हमारा वर्ष 2016 में आया हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स का पेपर। तो आशा है कि ये पेपर आपके परीक्षा के और आपके अध्ययन की दृष्टि से लाभदायी होगा। धन्यवाद।